मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने आया हूं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल कायम किया जा रहा है, मेरे दोस्तों, मैं बता सकता हूं और मैं बोल सकता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मेरे दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस व्यक्ति को क्या हो गया है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सत्यता को देख रहा हूं, मैं उस दृश्य को देख रहा हूं जब लखनऊ में शमशान घाट को ढक दिया गया था। मेरे दोस्तों, मैं उस दृश्य को देख रहा हूं कि लोग आपस के लोगों को फोन करते थे और कहते थे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता तो मेरे परिवार का कोई सदस्य बच जाता। मैं उस दृश्य को देख रहा हूं जहां पर सरकारें कह रही थी कि नहीं, मेरे यहां पर सब कुछ चंगा है। और मैंने उस दृश्य को भी देखा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब सवाल पूछा गया कि आपके प्रदेश में ऑक्सीजन से कितने लोगों की जाने गई, तो सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन से कोई जान नहीं गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भले ही मुझे गलत कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि ऑक्सीजन से जाने गई थी। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने कई रिपोर्टें की कि गन्ना किसानों के जो मूल्य हैं, जो पैसे हैं, वो आज तक गन्ना किसानों को नहीं मिले। मैंने देखा कि लोग अपनी नौकरियां मांगने के लिए सड़कों पर आए और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। मैंने देखा किस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या ये दृश्य छुपे हैं? क्या नहीं ना? कैसे कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश का राम राज्य? मेरे प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि मंदिर बन रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, विपक्ष को बुरा लग रहा है। अरे भाई, क्यों बुरा लगेगा? क्या प्रभु श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्या प्रभु श्री कृष्ण महाराज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्या भोले बाबा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं ना? क्या उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा के साथ हूं? दोस्तों, आप समझेंगे, धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त में भाजपा का नारा भी बदल रहा है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सिर्फ एक ही नारा था कि जय श्री राम। और अगर ये अफवाहें जनता के बीच में अगर कोई भी प्रतिनिधि कहलाता है या कहता है कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया, तो आप समझिए कि भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। मैं फिर कहूंगा, भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो जगह रामलला की है, विपक्ष ने इसको माना, मामला खत्म। फिर किस बात की भाई? अब आप कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा बाकी है। क्या आपकी राजनीति सिर्फ धर्म पर टिकी है? क्या रोजगार, नौकरियां कौन देगा भाई? कौन देगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं 10 मार्च को एक नई सरकार बनेगी। याद रहे उन ऑक्सीजन्स का,
याद रहे उन नौजवानों को जिस सरकार ने लाठियों को के दम पर उनको पीटा हो, नौकरियां मांगने पर सरकार के दरोगाओं ने उनको लाठीबाजी हो, और याद रहे 5-5 किलो राशन पर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री का फोटो लग के आपको दिया गया हो। 5 किलो राशन। अखिलेश यादव जब लैपटॉप बांट रहे थे तो कहा था, अरे भाई इन्होंने तो अपना लैपटॉप में फोटो लगा दिया। आपत्ति थी, बेहद आपत्ति थी, किंतु जब 5 किलो झोले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के और योगी आदित्यनाथ का फोटो जब लगा तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, भाजपा ने कहा नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो होना था। कहां से लाते हो भाई इतना दोगलापन? उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि वक्त है, समझ जाइए और अपने वोट का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।